हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आरबी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अपने अहम फैसले में ये कहा है कि अगर मैरिज लीगल नहीं है तो आईपीसी के सेक्शन 498A के अंतर्गत कंप्लेंट नहीं कर सकते। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केस पी शिव कुमार बनाम राज के बारे में, और इस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच कर रही थी। इस मामले में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498A और डाउरी एक्ट की सेक्शन 3 और 4 के तहत कंप्लेंट किया था। मद्रास हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि दोनों की मैरिज वैलिड नहीं थी। मद्रास हाई कोर्ट ने शिवचरण लाल बनाम स्टेट ऑफ एमपी के फैसले पर भरोसा जताया और आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत की गई शिकायत को रद्द कर दिया और कहा, जब मैरिज इनवैलिड है तो आईपीसी सेक्शन 498A के तहत कंप्लेंट को नहीं किया जा सकता। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि दोनों के बीच मैरिज इनवैलिड थी, इसीलिए आईपीसी सेक्शन 498A लागू नहीं होगी और दहेज निषेध की सेक्शन 3 और 4 के तहत ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करके पाया कि पत्नी कोर्ट में उन सभी एग्जामों को प्रूफ नहीं कर पाई थी, इसीलिए हाई कोर्ट के आरोपी को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट तभी रद्द कर सकती है जब हाई कोर्ट के फैसले में किसी तरह का दोष पाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है भाई बिल्कुल सही है। आई होप यू दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।